खेलगांव ग्राम खमरिया के खेल मैदान में अवैध अतिक्रमण कर घर निर्माण व तार जाली लगाए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में संकल्प स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन दुर्ग के बैनर तले अपना विरोध दर्ज कराया, साथ ही जिला कलेक्ट्रेट पहुँच जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। खेल गांव ग्राम खमरिया दुर्ग के खेल मैदान में हुए अवैध अतिक्रमण, जिसमें घर निर्माण तार जाली लगाकर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 24 एकड़ खेल मैदान के लिए प्रस्तावित सीमा लंकित जमीन को मंत्री तामधस साहू द्वारा 5 लाख की स्वीकृति राशि से फेंसिंग घेरा निर्माण के लिए अनुरोध करने बड़ी संख्या में खिलाड़ी संकल्प स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन दुर्ग के बैनर तले दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे और विरोध जताया और साथ ही अवैध निर्माण को हटाने की मांग की। इस संदर्भ में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा, इस पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2005 से 2022 विगत 17 वर्षों से लगातार इस मैदान में खिलाड़ी बच्चे अपना नियमित अभ्यास कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस विषय में पहुंचे सभी खिलाड़ियों ने जिलाधीश को अतिक्रमणकारियों की सूची भी नामजद सौंपी है, जिसमें गाँव के ही 17 लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इस संबंध में खिलाड़ियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं भी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ, साथ में इंडियन आर्मी की तैयारी करता हूं। जहां जिस मैदान पे मैं तैयारी करता हूं, उस मैदान में जो हम ट्रैक बनाते हैं, उस ट्रैक में गांव वाले असामाजिक तत्व और कई लोग हैं जो बाहर से आते हैं, वहां दारू मारू पीते हैं जो भी है, और ट्रैक जो हम बनाते हैं 400 मीटर का, वहां सीसी तोड़ देते हैं, गाड़ी चला देते हैं, जिससे हमको असुविधा महसूस होता है। तो मैं कलेक्टर महोदय से यही चाहूँगा कि इस समस्या का समाधान करके हमको। हरियाणा दुर्ग शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे हम लोग को ना 24 एकड़ खेल मैदान के रूप में सरकार के द्वारा मिला था, लेकिन आज के समय में वहाँ पे ना खेल मैदान की जगह में असामाजिक तत्वों का पूरा डेरा लगा रहता है शाम के समय, और वहाँ पे ना हम लोग को घेराबंदी करने के लिए आवेदन दिए हैं जाल ताल जर का, और गृह मंत्री के द्वारा 5 लाख पास हो चुका है, लेकिन वहाँ पे अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग को खेलने में असुविधा महसूस होती है। किनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है? गांव वाले कुछ लोग हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गांव वाले कुछ लोग के द्वारा ना मैदान के ऊपर अतिक्रमण कर चुके हैं, और हम लोग कलेक्टर महोदय से आवेदन दिए हैं कि इसमें हम लोग को कार्रवाई का मतलब दिए हैं कार्रवाई करने के लिए, और वहां पे हम लोग मांग किए हैं कि थोड़ा से गाँव वाले से निवेदन किए हैं, लेकिन गाँव वाले हम लोग का थोड़ा एक दो आदमी है कि हम लोग का साथ नहीं देते खेल में, तो हम लोग को बहुत असुविधा महसूस होता है। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो गंदे गंदे कमेंट करते हैं शराब पीकर, जिससे हम लोगों को परेशानी होती है, और घर वाले लोगों को बताते हैं तो मना किया जाता है कि मत जाया करो, और पहले बहुत सारे बच्चे आया करते थे पर अब कम। हम लोगों के खेल मैदान में कई असामाजिक तत्व का जमा रहता है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, और कई असामाजिक तत्व लोग जमा होकर गंदे कमेंट भी करते हैं, जिससे लड़कियों का छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उन लोगों को उनके घर में मना करते हैं कि मत जा ऐसे करके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।